हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बादाम खाने के फायदे बताने वाली हूँ। इससे पहले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, दिल का दौरा आने का खतरा कम करें। जो कोई व्यक्ति हफ्ते में 5 दिन बादाम खाता है उसे दिल का दौरा आने का खतरा कम हो जाता है। खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल लेवल को बादाम खा के कंट्रोल किया जा सकता है। बादाम खाने से दिल से जुड़ी बीमारी होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। बादाम में मौजूद फास्फोरस हड्डी व दांतों को मजबूती देता है। जो लोग बादाम खाते हैं उनका वजन जो नहीं खाते उनके मुकाबले कम होता है। आपको बादाम अपनी डाइट में शामिल करना ही चाहिए जिससे शरीर में फैट नहीं जमता। बादाम रोजाना लेने से डायबिटीज कंट्रोल होती है व इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। रोज सुबह भिगोए हुए बादाम खाने से दिमाग तेज होता है और याददाश्त भी तेज होती है। दिमाग वाला काम करने वालों को बादाम रोज जरूर खाना चाहिए, स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है। बादामों में मौजूद मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक होता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी है तो आपको आज से ही बादाम खाना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका पेट हमेशा आपको परेशानी देता है तो रोजाना 2 से 3 बादाम खाना शुरू करना चाहिए। इससे आपकी पाचन क्रिया चुस्त और तंदुरुस्त रहेगी। दोस्तों, बादाम में मौजूद फाइबर भूख को कंट्रोल करते हैं। बादाम हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। भीगा हुआ बादाम आपकी पाचन क्रिया को सुविधाजनक बनाकर आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रित रहेगा तो आपका हृदय भी स्वस्थ रहेगा। यह प्रोटीन, पोटेशियम और मैग्नीशियम का बहुत अच्छा माध्यम है जो आपके हृदय सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखता है। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।